गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने शुरू किया था 10th क्लास का चैप्टर नंबर 14 ऊर्जा के स्रोत, और इसमें मैंने बताया था कि ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं उनको परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी बोला जाता है। तो हमने परंपरागत ऊर्जा स्रोत मतलब वो जो दो थे, नवीकरणीय नवीकरणीय को बोला जाता अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, और जो अनवीकरणीय थे उनको बोला जाता जो नवीकरणीय थे उनको बोला जाता गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और जो अनवीकरणीय होते हैं उनको बोला जाता परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब ये हमने शुरू कर लिया था परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और परंपरागत ऊर्जा स्रोत में एक तो जीवाश्म ईंधन आता है, तापी विद्युत संयंत्र आता है, जल विद्युत संयंत्र आता है। जीवाश्म ईंधन हमने शुरू किया था कि जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। जीवाश्म ईंधन दो प्रकार के होते हैं, एक कोयला होता है, एक पेट्रोलियम होता है। पेट्रोलियम जहां मिलता है जिसको कच्चा तेल बोला जाता है, उसके ऊपर एक प्राकृतिक गैस भी मिलती है, ठीक है, जिसको नेचुरल गैस भी बोला जाता है, इसको नेचुरल गैस कहेंगे भाई, नेचुरल गैस। तो कोयला डिस्कस कर चुके हैं, पेट्रोलियम भी डिस्कस कर चुके हैं। पेट्रोलियम से मतलब कच्चे तेल से अगर रिफाइन करके पेट्रोल डीजल केरोसिन और पेट्रोलियम गैस हमें प्राप्त होती है। पेट्रोलियम जिसको एलपीजी जिससे बनती है वो पेट्रोलियम गैस है, मतलब इसको कंप्रेस करके हम सिलेंडर में भर देते हैं तो ये बन जाता है एलपीजी, और इसको कंप्रेस करके जब हम सिलेंडर में भर देते हैं तो ये बन जाता है सीएनजी। ये हम दोनों डिस्कस कर चुके हैं, मतलब कोयला और पेट्रोलियम को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या, तापीय विद्युत संयंत्र और जल विद्युत संयंत्र। देखो तापीय विद्युत संयंत्र का मतलब है जो स्टेशन होते हैं जहां पे बिजली उत्पन्न होती है उसको बोला जाता है पावर स्टेशन। तो वो पावर स्टेशन उसमें विद्युत या तो जल द्वारा उत्पन्न होती है या फिर उत्पन्न होती है कोयले द्वारा। देखो बिजली उत्पन्न करने वाला तो जनरेटर होता है, लेकिन जनरेटर जनरेटर की वर्किंग मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ चैप्टर नंबर 13 में, कि जो जनरेटर होता है जनरेटर को पहले घुमाया जाएगा, मतलब जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो पहले उसको यांत्रिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, मतलब उसकी कुंडली को बाहर से घुमाया जाता है। अब उसको घुमाने के लिए हम कौन सा तरीका अपनाते हैं, या तो हम जल का प्रयोग कर सकते हैं बांध बनाकर, या फिर हम भाप का प्रयोग कर सकते हैं पानी को गर्म करके। लेकिन पानी को गर्म करना पड़ेगा, उसके लिए भी हमें ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो वो पानी को गर्म किससे किया जाएगा, तो वो पानी को गर्म या तो कोयले से कर सकते हैं या फिर तेल से कर सकते हैं, किसी भी तरीके से पानी को गर्म करना ही पड़ेगा। पानी गर्म होगा तो भाप उत्पन्न होगी, वो भाप आगे जाके टर्बाइन को घुमाएगी और टर्बाइन जाके डायनमा या जनरेटर को घुमाएगा जो विद्युत उत्पन्न करता है। ये किस में होता है, ये होता है तापीय विद्युत संयंत्र में। थर्मल पावर स्टेशन जो होते हैं आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, बड़े बड़े से जो पिलर से खड़े होते हैं ना थर्मल पावर स्टेशन, वहां उसको बोला जाता है तापीय विद्युत संयंत्र। वहां पे एक्चुअल में होता क्या है, देखो वहां पे जो विद्युत उत्पन्न होती है वो विद्युत कोयले को जलाकर या तेल को जलाकर पानी गर्म करके उत्पन्न होती है। उसमें होता क्या है, एक बड़ा सा चैम्बर होता है। मैं किसकी वर्किंग बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं तापीय विद्युत संयंत्र की वर्किंग। तो उसमें एक बड़ा सा चैम्बर होगा, इसमें हम पानी डालते हैं, ये पानी को फिर गर्म करना पड़ता है। गर्म कैसे करेंगे, गर्म किया जाता है नीचे एक गर्म करने वाला एक फर्नेस लगी होती है, फर्नेस। उस फर्नेस को कैसे जलाया जाएगा, मतलब उसमें जलता क्या है, उसमें या कोयला जलेगा या फिर तेल जलेगा। अब जब ये पानी गर्म हो जाएगा तो इसमें भाप उत्पन्न होगी, ये भाप निकलेगी भाई, फिर इस भाप को हम एक पाइप द्वारा आगे भेज देंगे, ये भेज दिया इस प्रकार से, ठीक है। अब ये भाप जब जाएगी बहुत हाई प्रेशर से जाएगी, और आगे जाके एक चैम्बर होता है, ये चैम्बर जिसके अंदर टर्बाइन के ब्लेड लगे होते हैं, ये टर्बाइन होती है इस प्रकार से समझ लो, ये टर्बाइन, ठीक है, ये टर्बाइन के ब्लेड है। तो यहां से आएगी क्या भाप, जो बहुत हाई प्रेशर से इसके ब्लेड के ऊपर गिरेगी। तो ये जो भाप आई हाई प्रेशर में, इसने इसके ब्लेड को धक्का दिया, ये ब्लेड क्या करेंगे, ये मूव करना शुरू कर देंगे आगे जा आगे। फिर इस टर्बाइन को हमने जोड़ दिया एक शाफ्ट से, ये एक शाफ्ट है। जब ये टर्बाइन घूमेगी तो साथ में ये शाफ्ट भी रोटेट करेगी, घूमती है, और इस शाफ्ट के साथ जुड़ा होता है क्या, इसके साथ जुड़ा होता है भाई एक जनरेटर, ठीक है, जनरेटर जुड़ा होगा, ये जनरेटर है।
जब ये घूमेगा तो ये क्या पैदा करेगा, ये बिजली उत्पन्न करेगा दो वायर से, और फिर इस विद्युत को हम कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखो अब यहाँ पे पानी गर्म किया हमने, और पानी को गर्म करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, किसकी, या तो कोयले की या फिर तेल की। उसमें कोयला, कोयले के अंदर जो ऊर्जा होती है, उसके अंदर भरी हुई, वो होती है रासायनिक ऊर्जा। वो रासायनिक ऊर्जा, कोयला जला, रासायनिक ऊर्जा किसमें बदली, ऊष्मीय ऊर्जा में। तो ऊष्मीय ऊर्जा किसमें गई, पानी की ऊष्मीय ऊर्जा, पानी गर्म हुआ है तो फिर ये ऊर्जा चली गई किसमें, पानी की ऊष्मीय ऊर्जा चली गई टरबाइन की यांत्रिक ऊर्जा में। देखो टरबाइन घूमेगी तो टरबाइन का घूमना क्या है, जब भी कोई चीज घूमना शुरू कर देगी या चलना शुरू कर देती है तो समझ लो उसमें कौन सी ऊर्जा है, उसमें यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ, कोयले की रासायनिक ऊर्जा बदली ऊष्मीय ऊर्जा में, और उस ऊष्मीय ऊर्जा, वो ऊष्मीय ऊर्जा चली गई किसमें, पानी में, पानी से भाप में, और भाप की जो ऊर्जा थी वो चली गई किसके अंदर, टरबाइन के अंदर। टरबाइन में कौन सी ऊर्जा हो गई, यांत्रिक ऊर्जा, मतलब ये घूमना शुरू करेगी तो इसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को यांत्रिक ऊर्जा माना जाता है। तो ये पानी इसके ऊपर धक्का लगाएगा, चलना शुरू करेगी, इसमें आ गई यांत्रिक ऊर्जा। अब ये यांत्रिक ऊर्जा किसमें चली गई, डायनेमो या जनरेटर में। अब जनरेटर क्या करेगा, इस यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग करके इसको बदल देगा किसमें, विद्युत ऊर्जा में। देखो ऊर्जा नष्ट नहीं हुई है, देखो कोयले में जो ऊर्जा थी वो नष्ट नहीं हुई है, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई है। ठीक है, अब कोयले की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो गई है, लेकिन विद्युत ऊर्जा से दोबारा से रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम ये तो बोलते हैं कि भाई ऊर्जा को बचाओ, ऊर्जा खर्च होती है। हालांकि ये भी बोलते हैं कि ऊर्जा ना तो खर्च होती है और ना ही बनती है, वो तो समान रहती है, लेकिन क्या है इसका रूपांतरण जरूर होता है, एक रूप से दूसरे रूप में चली जाएगी, तो कोई मान लो ऐसे रूप में चलेगी जिससे वापस उससे प्राप्त करना मुश्किल हो जाए। इसलिए हम कहते हैं कि ऊर्जा की बचत करो जितनी हो सके। तो ये काम होता है किसमें होता है, ये काम होता है तापीय विद्युत संयंत्र में। ठीक है, इस प्रकार से काम करता है। पेपर में कई बार प्रश्न आ जाता है कि तापीय विद्युत संयंत्र में ऊर्जा रूपांतरण किस प्रकार होता है। तो ये जैसे मैंने बताया कि कोयले में रासायनिक ऊर्जा थी वो जला तो उसमें ऊर्जा में बदली, फिर वो पानी में चलेगी, पानी गर्म होगा वो भी उसमें ऊर्जा उसके अंदर भी, फिर भाप बनेगी, भाप में ये समझ लो भाप अगर चल रही है तो उसमें भी यांत्रिक ऊर्जा ही है, फिर उसकी यांत्रिक ऊर्जा बदलेगी किसमें, टरबाइन की यांत्रिक ऊर्जा में। फिर यांत्रिक ऊर्जा जनरेटर में चलेगी तो जनरेटर ने यांत्रिक ऊर्जा को लेकर किसमें बदल दिया, विद्युत ऊर्जा में। ठीक, ये होता है किसमें, ताप विद्युत संयंत्र में या थर्मल पावर स्टेशन में। अब हम बात करते हैं जल विद्युत संयंत्र की। जल विद्युत संयंत्र में हम टरबाइन को रन करेंगे, मतलब जनरेटर को घुमाएंगे, जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा देंगे, लेकिन उसमें कोई भी फ्यूल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, मतलब किसी ईंधन का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें पानी को गर्म नहीं करना होता। उसमें क्या करते हैं, उसमें हम उसमें जल के अंदर निहित यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, इसमें हम बड़े बड़े बांधों का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं, देखो मान लो एक बड़ी सी नदी है और दो पहाड़ों के बीच ये चल रही है, तो हम क्या करेंगे, इन दो पहाड़ों के बीच में जो नदी बह रही है इसके आगे एक बड़ी सी दीवार बना देते हैं भाई। ठीक है, ये इसको बोला जाता है बांध, ये क्या है, ये डैम है, बांध है। यहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा, बारिश आएगी तो ये बांध लगभग पूरा भर जाता है, कई बार इतना भर जाता है कि इसका पानी एक्स्ट्रा जो होता है उसको निकालना पड़ता है। तो बारिश के दिनों वैसे भी इसमें पानी रहता है, क्यों, क्योंकि जो पहाड़ों पे बर्फ जमी होती है वो तो हमेशा पिघलती रहती है, तो इसमें पानी तो आता ही रहता है। और यही कारण है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो बाधित नहीं होती, मतलब बंद नहीं होती, मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें जो पानी की मात्रा है वो सिर्फ बारिश पर निर्भर नहीं करती, वो जो बर्फ जमी हुई है वो पिघल पिघल के भी इसमें पानी भरता रहता है। तो इस पानी को बांध बनाकर हम रोक लेंगे। इस रुके हुए पानी में होती है भाई कौन सी, स्थितिज ऊर्जा। ये बात याद रखना, ये पेपर में आता है स्थितिज ऊर्जा। जो पानी रुका होता है डैम के अंदर उसमें कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ये डैम कोई छोटी ऊंचाई का नहीं होता, ये डैम बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, लगभग 800-900 मीटर या 1000 मीटर। 1000 मीटर समझ लो 1 किलोमीटर ऊंचाई होगी है। तो इतने ऊंचे ऊंचे बांध बनते हैं तो उसमें पानी कितना ज्यादा इकट्ठा होता होगा आप कल्पना कर सकते हो।
अब क्या करेंगे, अब इसमें गेट लगे होते हैं भाई, इस बांध में ना अलग अलग गेट बनाए जाते हैं और उन गेटों में पाइप लगे होते हैं, पाइप, और उन पाइपों से फिर पानी छोड़ा जाता है। जैसे ये पाइप हमने इसमें लगा दिया, ठीक है, ये पाइप आएगा। अब जब इसमें इतना पानी है तो ये पानी बहुत प्रेशर से आगे बढ़ता है। अब इसके आगे हम लगा देते हैं क्या, इसके आगे लगा देते हैं भाई टर्बाइन, टर्बाइन के ये ब्लेड है, ये ब्लेड, ठीक है। अब जब प्रेशर से पानी इन ब्लेड के ऊपर गिरेगा तो जो टर्बाइन के ब्लेड हैं वो घूमना शुरू कर देंगे। अब यहाँ की स्थिति ऊर्जा, जैसे ही हमने पानी को ओपन किया मतलब पाइप में से पानी चलना शुरू करेगा तो पानी के अंदर आ जाएगी भाई गतिज ऊर्जा। बात याद रखना, स्थितिज ऊर्जा किसमें बदली, गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा किसमें बदलेगी, टर्बाइन की गतिज ऊर्जा में, या कह लो कि टर्बाइन की यांत्रिक ऊर्जा में। अब इसको हमने जोड़ दिया है किसके, किससे, एक शाफ्ट से, शाफ्ट, और शाफ्ट से आगे ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है किसके साथ, एक जनरेटर के साथ, ये जनरेटर है, ठीक है, जनरेटर जो विद्युत धारा उत्पन्न करेगा। जब इतने ज्यादा प्रेशर से पानी इसके ऊपर गिरेगा तो ये बहुत तेजी से घूमता है, और बहुत तेजी से घूमता है तो ये भी बहुत तेजी से साथ घूमेगी, तो इसमें विद्युत धारा जो उत्पन्न होती है वो विद्युत धारा मेगावाट में उत्पन्न होगी, मतलब बहुत हाई पावर इसमें पैदा होती है। बड़े बड़े डायनेमो लगे होते हैं वहां पर, बहुत हैवी जनरेटर लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ थर्मल पावर प्लांट में भी हैवी जनरेटर लगे होते हैं, बहुत बड़े बड़े। तो इस प्रकार इसमें जल विद्युत संयंत्र में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, या विद्युत उत्पन्न हम करते हैं। तो ऊर्जा रूपांतरण किस प्रकार हुआ, स्थितिज ऊर्जा किसमें बदली, पहले गतिज ऊर्जा में, और गतिज ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा का जवाब स्थितिज ऊर्जा से, इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा फिर बदल गई किसमें, डायनेमो ने किसमें बदल दिया, विद्युत ऊर्जा में। इस प्रकार ऊर्जा का रूपांतरण हुआ है। ये मैं रूपांतरण क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर में ये आता है कि जल विद्युत संयंत्र में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है, तापीय विद्युत संयंत्र में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है। तो भाई ये था हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत। देखो हमने ऊर्जा तो उत्पन्न कर ली, लेकिन इतना आसान नहीं है कि भाई ऊर्जा उत्पन्न कर ली और इसकी कोई ड्रॉबैक नहीं है, इसकी कोई हानि नहीं है। तो इसकी, इनकी दोनों की बहुत सारी हानियां भी हैं, मतलब तापीय विद्युत संयंत्र जो है इसकी हानियां भी हैं। क्या हानियां हैं, देखो तापीय विद्युत संयंत्र जो है, हानियां किसकी, तापीय विद्युत संयंत्र की बात कर रहे हैं, हानियां किसकी, थर्मल पावर स्टेशन। अब तापीय विद्युत संयंत्र काम करता है मतलब किसी ईंधन पे, ईंधन जलेगा तो पानी गर्म होता है। अब ईंधन ज्यादातर जो हम प्रयोग करते हैं, मैक्सिमम केस में 90% केस में यहाँ प्रयोग किया जाता है कोयला, किसमें, थर्मल पावर स्टेशन में। इसलिए थर्मल पावर स्टेशन ज्यादातर ऐसी जगह पे बनाया जाता है जहां पे कोयले की खदाने नजदीक हो, ताकि वहां से कोयले को ट्रांसपोर्ट करना थर्मल पावर स्टेशन में इजी हो, आसान हो, इसलिए कोयले की खदानों के पास इसको बनाया जाता है। अब कोयला जब जलता है, कोयला क्या होता है, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कोयला क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और उसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर भी होते हैं, लकड़ी से तो बना है कोयला। अब लकड़ी के अंदर क्या होता है, मुख्य रूप से कार्बन होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं। अब जब ये कोयले के अंदर है, कोयला जला, कोयला जलेगा तो जलने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन से भी क्रिया, जब ये ऑक्सीजन से भी क्रिया करेगा कार्बन तो बनेगी CO2, हाइड्रोजन में भी क्रिया करेगा तो बनेगा H2O, ठीक है, ऑक्सीजन तो है, नाइट्रोजन भी क्रिया करेगा तो बनेगा NO2 या N2O, NO2 बनेगा, मान लो नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सिर्फ NO2 नहीं बनता, नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड बनते हैं, सल्फर भी क्रिया करेगा तो बनेगा SO2, सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, इनसे तो वायु में इतना प्रदूषण नहीं होता, लेकिन जो ये गैसें होती है दो, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, ये दोनों एसिडिक गैसें हैं। क्यों, क्योंकि देखो सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, मतलब अधातु है, और अधातु का ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के पढ़ चुके हम, तो ये दोनों अम्लीय प्रवृत्ति की गैसें हैं। अब ये अम्लीय प्रवृत्ति की है तो ये वायुमंडल में फैल जाती है, और जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ मिलकर, जैसे H2O आया पानी ऊपर से, और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOX लिख दिया मैंने, X क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन एक भी हो सकती है दो भी, मतलब नाइट्रोजन का ऑक्साइड ले दो, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा भी HNO3, नाइट्रिक एसिड बनाएगा। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड H2O के साथ SO2 मिलकर क्या बनाएगा, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये बनाते हैं।
सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, दो तरह के एसिड बन सकते हैं। अब जब ये एसिड वर्षा जल के साथ नीचे आएंगे तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अम्लीय वर्षा। कब कहेंगे, जब वर्षा के जल की पीएच 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाएगी तो हम उसको कहेंगे कि अम्लीय वर्षा हो रही है। और अम्लीय वर्षा के क्या नुकसान है, क्या हानियां हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब अम्लीय वर्षा होती है और संगमरमर से बनी हुई जो इमारतें होती है जब उन पे गिरती है ये, तो संगमरमर का संसार शुरू हो जाता है और संगमरमर की जो इमारतें हैं उनकी चमक फीकी पड़ जाएगी। मतलब जब संगमरमर का संसार ही हो जाएगा, संगमरमर टूट जाएगा, तो वो इतना चमकीला नहीं रहेगा जितना पहले होता था। ठीक है भाई, ये इसका नुकसान है। दूसरा, जब ये अम्लीय जल, अम्लीय वर्षा हो रही है, गलियों में पानी बह रहा है, सारा नालियों में बह रहा है, ये सारा पानी इकट्ठा होकर कहाँ जाएगा, तालाबों में पहुंच जाएगा, तो तालाब क्या हो जाएंगे, तालाब भी एसिडिक हो जाएंगे। और प्रत्येक जीव की जो पीएच का प्रास एक निश्चित होता है, मतलब वो एक निश्चित प्रास में ही काम कर सकते हैं। जैसे ही अम्लीय जल तालाब में पहुंचेगा तो उसमें रहने वाले जीव जंतु सबकी डेथ हो जाएगी, बहुत सारी मछलियां ऐसे मर जाती है। ठीक है भाई, ये नुकसान है, किसके नुकसान है, इसके नुकसान है। ठीक है, किसके, थर्मल पावर स्टेशन के, तापीय विद्युत संयंत्र। इसके अलावा जब कोयला जलता है, एक और नुकसान है, जब कोयला जलता है तो कोयले के पीछे बहुत सारी राख रह जाएगी। अब उस राख का निपटारा कैसे करें, उसको ऐश बोला जाता है, ऐश। और वो बहुत बारीक होती है, वो हवा के साथ जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो पेड़ों के ऊपर चिपक जाती है, उसके पत्तियों के ऊपर चिपक जाएगी, तो पत्तियों के जो रंध्र होते हैं वो बंद हो जाएंगे और प्रकाश संश्लेषण करने में पौधे को प्रॉब्लम आएगी। मतलब प्रकाश संश्लेषण इतने अच्छे से नहीं कर पाएगा, किसके जमने से, उस फ्लाई ऐश या राख के जमने से। ठीक है भाई, ये किसके हानियां है, ये हानियां है तापीय विद्युत संयंत्र की हानियां है। इसकी और कौन सी हानि है भाई, इसकी हानि ये भी है कि जब कोयला जलता है तो अत्यधिक धुआं भी निकलता है जिसमें कार्बन के बिना जले कण होते हैं। धुएं का मतलब क्या था, धुआं होता है अभी कार्बन, ऐसा कार्बन, लकड़ी जो है जलेगी तो उसमें जो कार्बन के, लकड़ी कार्बन से ही बनती है, अगर वो जल रही है तो उसमें कुछ कार्बन बिना जला हुआ रह जाएगा, बिना जले कण रह जाएंगे और वो ऊपर उठेंगे, उसी को धुआं बोला जाता है। तो जब धुआं निकलता है तो वो वातावरण में फैल जाता है और धुएं से बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण होता है। तो ये हानियां मैंने बता दी आपको, किसकी हानियां है, ये है तापीय विद्युत संयंत्र की हानियां। ठीक है, बात समझ में आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हम इसको वायु प्रदूषण को मानते हैं, लेकिन यह वायु का प्रदूषण एक कम समय में नहीं करती, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी निकली और तभी वायु का प्रदूषण करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए नुकसानदायक तो है लेकिन लंबे समय में यह नुकसान करना शुरू करती है, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये हानियां आप लोगों को याद करनी है, ये भी पेपर में आ सकती है कि तापीय विद्युत संयंत्र की कौन कौन सी हानियां होती हैं। अब बात आती है जल विद्युत संयंत्र, इसकी क्या क्या हानियां हैं। देखो, जल विद्युत संयंत्र काम करता है किसके ऊपर, जल के अंदर जो ऊर्जा निहित होती है उसके ऊपर काम करता है। अब हमें जल से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए डैम बनाना पड़ता है, बांध बनाना पड़ेगा, और जब भी हम बांध बनाते हैं तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी समस्याएं आती है हमारे सामने, भी तीन तरह की समस्याएं आती हैं। एक तो आती है पर्यावरणीय समस्या, पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है भाई। एक होती है भाई सामाजिक समस्या, ठीक है, और एक होती है आर्थिक समस्या। ये तीन तरह की प्रॉब्लम हमें आती है किसमें, बांधों के निर्माण में। कौन कौन सी, देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्यावरणीय समस्या, कौन सी पर्यावरणीय समस्या आती है। ये जो बांध होता है, ये बांध कोई छोटा नहीं होता भाई, ये बहुत बड़े बांध होते हैं और ये इतने एरिया को कवर करते हैं, बहुत ज्यादा एरिया को, कई गांव इसमें पानी में समा जाते हैं, इसके अंदर डूब जाते हैं, और आसपास के जितने जंगल होते हैं वो भी इसके पानी में डूब जाते हैं। जब इतने ज्यादा एरिया ये कवर करेगा तो बहुत सारी वेजिटेशन, मतलब जितने सारे जंगल होते हैं जो, वो भी इसके पानी में
डूब जाएंगे। अब धीरे 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 जब वो पानी में डूबे हुए जंगल होंगे वो अंदर गलना शुरू करेंगे और वो गलेंगे सड़ेंगे तो उनसे मीथेन गैस उत्पन्न होती है जिससे वायु का बहुत अधिक प्रदूषण होता है। एक तो ये प्रॉब्लम आती है पर्यावरणीय समस्या, मतलब बहुत ज्यादा पर्यावरण नष्ट हो जाएगा किसके कारण, एक बांध बनाने के कारण। और यही कारण है कि जब भी कोई बांध बनता है उसके अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट भी होते हैं, आप टीवी में देखते भी होंगे सरदार सरोवर डैम बना नर्मदा नदी के ऊपर तो बहुत सारा उसका प्रोटेस्ट भी हुआ था उसके बनते समय में। क्यों होता है, क्योंकि भाई आसपास का एरिया लोगों को खाली करना पड़ता है, वो उनको अपनी जगह को छोड़ के जाना पड़ता है, वो सामाजिक समस्या में आते हैं। तो ये पर्यावरणीय समस्या, सामाजिक समस्या क्या है, सामाजिक समस्या का मतलब क्या है कि भाई जब भी कोई बांध का निर्माण होता है तो बहुत ज्यादा एरिया वो खाली करवाना पड़ता है, बहुत सारे गाँव को खाली करवा लिया जाएगा। अब लोग एक जगह से विस्थापित करके दूसरी जगह भेज दिए जाएंगे, लेकिन उन लोगों को जो उनकी जगह छीन ली जाती है उतनी जगह उनको हासिल नहीं होती, उनको मिलती नहीं है, इसलिए सामाजिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, मतलब उनके रहने सहने और खाने पीने की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। उनका विस्थापन से जो प्रॉब्लम आती है उसका निपटारा बहुत कम होता है, तभी लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। ये सामाजिक समस्या में होता है। आर्थिक समस्या क्या होती है, आर्थिक समस्या मतलब जब भी बांधों का निर्माण होता है तो बांध छोटा नहीं होता भाई, इनके बनने में 30-30 साल 35 साल 50 साल का टाइम लग जाता है, कभी 50 साल पहले शुरू होते हैं और बनने में 50 साल का टाइम लग जाएगा, तो तब जाके बांधों का निर्माण मतलब बांध का निर्माण होगा। तो इनके बनाने में हजारों करोड़ रुपए का खर्च आता है, तो ये होती है आर्थिक समस्या। हो सकता है उस पैसे का, लोगों का मानना है ये बहुत सारे लोगों का कि उस पैसे का प्रयोग हम दूसरी जगह कर सकते हैं, गरीबी मिटाने में या भुखमरी मिटाने में या हेल्थ सेवाओं में हम उस पैसे का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इतना पैसा खर्च हो रहा है, ये है आर्थिक समस्या। ये इम्पोर्टेंट है कि डैम पेपर में आया है पहले कि डैम क्या है और डैम से उत्पन्न होने वाली कौन सी तीन मुख्य समस्याएं हैं, ये पेपर में आ चुका है भाई, ये याद करना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये था भी हमारा क्या, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब तक जो जितने भी हम पढ़ चुके हैं ये सारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जिनको हम पुराने समय से प्रयोग करते आ रहे हैं। अब आगे जब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। वो ऐसे स्रोत होंगे जो इनके विकल्प के तौर पर माने जाते हैं, मतलब भाई अगर ये खत्म हो जाए तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहे, तो हम वो ऊर्जा स्रोत के बारे में पढ़ेंगे जिनको इनका विकल्प माना जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।